हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपाली। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस एंड प्रीजेस्टाइज। तो अब आपको पता है डिफरेंस मतलब क्या होता है, पर आपको ये नहीं पता कि प्रीजेस्टाइज मतलब क्या होता है। तो प्रीजेस्टाइज मतलब होता है पक्षपात। ओके, प्रीजेस्टाइज मतलब होता है पक्षपात। तो यहाँ पे बहुत सारे थिंग्स है जो हम हमारे बोलने के लिए, हमारी जो लैंग्वेजेस है, हम कैसे बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं, हम कैसे गेम्स खेल रहे हैं, हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे फेस्टिवल्स, तो ये सारे क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है बोथ में जियोग्राफी में, हिस्ट्री में, जो प्लेस है हमारे रहने के। तो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको इसमें आइडियाज़ मिलेंगे कि जो डाइवर्स इंडिया है वो कैसा दिखता है, जो ब्रीफली है स्टेटमेंट में वो कैसा है। तो देयर मेजर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, यहाँ पे बहुत, यहाँ पे 8 मेजर रिलीजन्स है हमारे वर्ल्ड में। तो हर एक सिंगल है वो प्रैक्टिस्ड है इंडिया में। तो उससे ज़्यादा 1600 लैंग्वेजेस जो पीपल बोलते हैं वो अपनी मदर टंग है। और देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। तो यहाँ पे जो 600 लैंग्वेजेस हैं वो मदर टंग ही बोलते हैं लोग, 600 लैंग्वेजेस हैं जो मदर टंग ही बोलते हैं। और 100 डांस फॉर्म है, डांस फॉर्म की 100 है। या दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेट, बट ये डाइवर्सिटी है जो सेलिब्रेट नहीं होती, ये जो है फील करते हैं, सेफ करते हैं और सिक्योर करते हैं पीपल जो बात करते हैं, ड्रेसअप करते हैं और थिंक लाइक अस, जो थिंक हम लोग करते हैं, जो हम लोग करते हैं वैसा। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। तो कभी कभी हम जो पीपल को मिलते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं हमारे से, और उन लोग स्ट्रेंज भी होते हैं और अनफेमिलियर भी होते हैं, मतलब हमारी फैमिली से थोड़ी आए और लोग हम उनसे उन्हें जानते भी नहीं हैं। और अगर किसी को हम जानते हैं तो, और अगर वो हमारी फैमिली से नहीं है तो भी हम उसे स्ट्रेंज ही बोलेंगे और वो अनफेमिलियर ही बोलेंगे हमसे। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। तो जो टाइम पे हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जो रीजंस है वो डिफरेंट होते हैं हमसे, और जो पीपल है वो भी सर्टन एटीट्यूड्स में, ओपिनियंस में उन लोग दिखते नहीं हैं, मतलब होते नहीं हैं। नेक्स्ट, लुक एट द स्टेटमेंट्स बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया। अब आपको स्टेट्समैन की तरफ देखना है और आपको बिलीव करना है जो ट्रू है, जो रूरल और अर्बन लाइफ है इंडिया में, उसे टिक मार्क करना है जो अग्री है। डू यू हैव अ प्रीजस्टाइज अगेंस्ट रूरल एंड अर्बन पीपल, क्या आपके आपको पक्षपात है, प्रीजस्टाइज है और रूरल और अर्बन पीपल के पास साथ। फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीजंस व्हाई पीपल हैव दिस प्रीजस्टाइज। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो शेयर, ये थिंग शेयर है वो अदर्स के लिए, और डिस्कस करना है रीजंस की क्यों पीपल प्रीजस्टाइज है, पक्षपात है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रीजस्टाइज दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू, क्या आप लिस्ट कर सकते हो जो प्रीजस्टाइज आपने आपके आपके अराउंड, आपके पास आसपास देखा होगा। हाउ दे अफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर, कैसे वो अफेक्ट करते हैं वेज को जो पीपल ट्रीट करते हैं एक दूसरे से। देन यहाँ पे हमें दिया गया है तो रूरल पीपल और अर्बन पीपल, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। नाउ सम ऑफ दीज स्टेट्समैन सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सुपरस्टिशियस एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी मिंडेड, लेजी एंड क्यूनिन। तो पीपल्स जो है, यहाँ पे कुछ स्टेट्समैन्स है वो जो विलेजर्स इग्नोरेंट जैसा करते हैं और सुपरस्टाइज, तो पीपल्स जो ऐसे करते हैं सिटीज में, तो कभी भी उनको ओपिनियंस, उनके सर्टेन पीपल जो थे वो नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव्स होते थे और उन लोग लेजी जैसा करते थे और किसी की बात नहीं सुनते थे, ऐसा नेगेटिव्स होते थे
विलेजेस के लोग ओपिनियन जैसा करते थे। सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स देन दीज बिकम पिजेस्टाइज दैट वी कैरी अबाउट देम। तो ये स्टेटमेंट पिजेस्टाइज जैसे होगा जो हम कैरी करते हैं अभी। पिजेस्टाइज मीन्स टू जज अबाउट नेगेटिवली टू और सी। तो उन लोग नेगेटिवली पिजेस्टाइज मतलब नेगेटिव सोचने वाले और जज कर नेगेटिव जज करने वाले इफीरियर। तो कभी भी जो उन लोग थिंक करते थे ओनली वन जो पर्टिकुलर वे था वो बेस्ट और राइट था, बेस्ट और राइट होना चाहिए। और जो वे है वो हम थिंक जो ऑफ्टन करते हैं जो एंड से रिस्पेक्टिंग अदर्स, हमें अदर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनसे अच्छे बात करने चाहिए। जो पीपल्स प्रिफर करते हैं अच्छी थिंग्स के डिफरेंटली। तो जो हम इंग्लिश हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं जो वो बेस्ट लैंग्वेज है। और कभी भी दूसरी दूसरी लैंग्वेज को हमें हमारे लैंग्वेज से जज नहीं करना चाहिए कि ये लैंग्वेज तो हमें आती नहीं है तो ये लैंग्वेज भंगार है, ऐसा कुछ नहीं। जिसकी जिसकी लैंग्वेज है वो उसको उसको आती है। और हमें कभी किसी के लैंग्वेज को नेगेटिवली नहीं सोचना चाहिए। तो एज अ रिजल्ट जो भी हमें पीपल्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए उनसे, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उनसे हमारी जो लैंग्वेज है उसमें ही बोलना चाहिए। हमें जो लैंग्वेज आ सकती है जैसे हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज है वी कैन स्पीक इट। और जो भी प्रिजिस्टाइज है हमारे बहुत सारे लैंग्वेजेस के जो पीपल रिलीजियस होते हैं बीफ के होते हैं जो कलर उनके स्किन का होता है तो हमें चिराना नहीं चाहिए उन्हें। और उनके जो एशियन टाइम में जो बोलते थे उन लोग और जो क्लोथ उन लोग पहनते थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो भी हमें उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए। और जो हमें प्रिजिस्टाइज है उनके बारे में वो हमें भी फ्रेंडशिप करनी चाहिए। और एट टाइम वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम। और कभी हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, कमेंट में कि कैसा लगा। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगी। एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड बाय बाय।